एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर ठीक नहीं भी हैं फिर भी स्टे स्ट्रॉन्ग, और आप हार मत मानिए आप जिस भी सिचुएशन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसा ग्रीन वेजिटेबल जिसके बारे में जो मेनलैंड इंडियन है उनको पता नहीं होगा। आप जो मेरे पीछे झाड़ देख रहे हैं वो भी एक तरह का सब्जी है जिसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत खाया जाता है। इस सब्जी का नाम है ईस्ट इंडिया ग्लोरी बोवर, और साइंटिफिक नेम इतना डिफिकल्ट है जो हमसे बोला नहीं जाएगा। दिस इज आर ग्लोरी बोवर। हमारे जो लोकल डायलेक्ट है उसमें हम लोग होन कहते हैं, ओन, ओइन, तापिन अलग अलग है, और भी अरुणाचल में बहुत सारे बोलियां हैं उसमें अलग अलग नाम दिया जाता है इसको, और असमिस में नेपापू ऐसा कुछ बोलते हैं लगते हैं। ये जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और जिनका हाई बीपी है उन्हें भी इसको खाने के लिए रेकमेंड करते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ओनो ओनो ओनो, कौन है? ये कुत्ता मुर्गी भगा रहा है। इस तरह तोड़ते हैं। तो मैं आज इसको आपको बना के दिखाऊंगी कि हम किस तरह खाते हैं। दो वे में बनाऊंगी, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेज। ये कुछ इस तरह से इसका झाड़ दिखता है। दिस इज अ श्रब, पेरिनियल श्रब। इसका जो टेस्ट है इट्स टुवर्ड्स द बिटर एंड। एग्जैक्ट बिटर, करेला टाइप का बिटर तो नहीं है, बट थोड़ा बिटरनेस तो है, लेकिन वो पकाने के बाद कम हो जाता है बहुत। के दिस शुड बी एनफ, एक्चुअली मोर देन एनफ, लेकिन हम दो आइटम बनाने जा रहे हैं ना, वेज और नॉन वेज, तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा ज़्यादा तोड़ना पड़ा। तो ये देखिए, दीज आर माई चिक्स। देखो कुछ कुछ का गला जो है, गला में, नेक एरिया में बाल नहीं है ना, ऐसे वाला मुर्गी आप लोग देखा है क्या? फर्स्ट टाइम हम जब इन लोग का मम्मी को देखा था तो ऐसा लगा है कि खुजली वाला मुर्गी आ गया बोल के। खरीद के लेके आया था, खाने के लिए लाया था, बट वो अंडा दे दिया है। अंडा दे रहे तो हम लोग उसको फिर हो जाएगा बोल के रख दिया है घर बना के। बाद में देखा है तो ये सबको जन्म देने के बाद कुछ दिन के बाद वो मर गया है, और ये लोग अनाथ हो गए। फोर एंड अनदर वन इज़ देयर, फिफ्थ वन ये पीछे में। इसको पहले हम लोग को निकालना है इस तरह से। टेंडर पार्ट ले लो, टेंडर पार्ट ले लो, उसके बाद यहाँ पे जो हार्ड वाला स्टेम है उसको फेंक दो, और अगर बुरा वाला पत्ता अगर आया तो उसको भी फेंक दो। सब्जी को धोने के बाद अभी छोटा छोटा काट लीजिए। पहले वेजिटेरियन स्टाइल में बनाते हैं होम सब्जी को। उसके लिए एक कढ़ाई में कम पानी लेना है, उसके बाद ये सब्जी को पानी उबलने के बाद डाल दो। नमक, इन द मीन टाइम हम लोग काला तिल भी थोड़ा से रोस्ट कर लेगा। इसका जब पानी सूखने लग जाएगा तब समझ जाना है कि ये पक गया। अपने हिसाब से आप मिर्च जला लीजिए।
इसको अभी अच्छा से मिक्स कर लीजिए एंड इट्स रेडी।